पूरे मुल्क में इंतखाबी मुहिम चलाई, जो मज़ा कराची में है वो कहीं नहीं। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे। किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो खामोश नहीं बैठूंगा। कराची दाऊद चौरंगी पर खिताब में कहा कि मुखालिफीन नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं, उसे ख़त्म करना होगा। आवाम पीपल्स पार्टी को कराची से जितवाएंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर तमाम जमातों को जवाब देना होगा। 5 साल में कराची की तकदीर बदल दूंगा। हमारा 10 निकाती एजेंडा गुर्बत और महंगाई ख़त्म करने के लिए है। हुकूमत में आए तो मजदूर की आमदनी दुगनी करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाएंगे। तमाम सियासी जमातों जो हमारा मुकाबला कर रहे हैं, जो मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नफरत और तकसीम के सियासत करते हैं, वो नफरत और तकसीम का सियासत करते हैं। आपने 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगा के इन तमाम जमातें को जवाब देना है, तमाम कोतों को जवाब देना है कि ना मेरा ना तेरा, ये हम सब का कराची है। मेरा जो 10 निकाती एजेंडा है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए, इंशाल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगा तो मेरा पहला वादा पाकिस्तान के अवाम के साथ, कराची के अवाम के साथ ये है कि हम आपकी आमदनी को, आपकी आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह ताला दुगनी करके दिखाएंगे। दूसरा वादा कि मैं पाकिस्तान के गरीब आवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा सोलर के थ्रू। तीसरा वादा कि इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के आवाम के लिए 30 लाख घर बनाऊंगा और पूरा मुल्क भर में जहां भी कच्ची आबादियां हैं, मैं वो कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके वहां के रहने वालों को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा मगर उन्हीं खवातीन को बिला सूद कर्जा दूंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके, हमारी मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।